इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनिमेटेड व्यू देखेंगे जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चीजें कैसे होती हैं और किसका क्या रोल होता है तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं नोज नेसल पैसेज ट्रेकिया Bronchi, lungs and diaphragm. Respiration process start होता है जब हम नोज से एयर ब्रीथ करते हैं हमारी नोज में जो दो होल्स होते हैं उन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं और इन्हीं से पास होकर एयर बॉडी के अंदर जाती है नॉस्ट्रल से होते हुए एयर नेसल पैसेज में जाती है नेसल पैसेज की सरफेस पर म्यूकस रिलीज होता है और नेसल हेयर्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट ड और इंप्योरिटीज को ट्रैप कर लेते हैं ताकि लंग्स में प्योर एयर ही जाए। नेसल से air, ट्रेकिया में एंटर करती है। ट्रेकिया को wind pipe भी बोलते हैं। के थोड़े नीचे जाकर दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है इन दो ट्यूब्स को ब्रोंकाई बोलते हैं दोनों ब्रोंकाई ट्यूब्स हमारे दोनों लंग्स से कनेक्टेड होती हैं। लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी एक मस्कुलर पार्टीशन से सेपरेटेड रहती है जिसे डायफ्रेम कहते हैं लंग्स हमारी बॉडी में केज में होते हैं ये केज हड्डियों का ढांचा है जिन्हें रिब्स कहते हैं लंग्स के अंदर जाकर ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं इन एंड में पाउच शेप के सैक होते हैं जिन्हें एलवीओलाई कहते हैं ये थिन ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं एल्वीओलाई वो प्लेस है जहां एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एलवीओलाई होते हुए बाहर की तरफ जाती है यानी सारे गैशियस एक्सचेंज एलवीओलाय में होते हैं हमारी बॉडी में ऐसी मिलियंस ऑफ एलवीओलाय हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो एयर नोस्ट्रिल ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई से होते हुए सभी एल्वीओलाई में फिल हो जाती है ये एल्वीओलाई ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से अटैच होती हैं। ब्लड बॉडी के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेके जाता है जहाँ सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी मिलती है यहाँ जो रिएक्शन होती है उसका साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ब्लड के थ्रू वापस एल्विओलाई तक जाता है और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो एल्वी से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकिया में जाती है और फिर नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है इस तरह हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा होता है बच्चों अगर टू डायमेंशन में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखें तो ऐसा दिखता है ये पार्ट नोस्ट्रिल है ये नेसल पैसेज है ये हमारा विंड पाइप या ट्रेकिया है ये ब्रोंकाई है फिर ब्रोंकि और लास्ट में है एयर यानी एयरसेलाय ये हमारे दोनों लंग्स हैं यहाँ हमारा डाई है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है बच्चों आई होप अब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया है अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। और सब क्लियर हो गया है तब भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए